अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। उसे पहले कभी लगी थी। अब गोली लगी थी तो शायद वो कोई गुनहगार, कोई क्रिमिनल। पिछली बार तो वो दो गोलियों से बच गया, मगर इस बार एक गोली ने उसका काम तमाम। फिर जब हम किसी तरीके से उसके घर पहुंचे, घर के अंदर हमें वहां पे एक फिल्म की डीवीडी मिली। फिल्म का नाम था वांटेड। जी हाँ, सलमान खान की वांटेड। मगर अभी तो फिल्म रिलीज नहीं हुई, तो फिर उसकी डीवीडी कैसे आ गई? जब ये बात सलमान को पता चली तो उन्हें भी बहुत शॉक लगा। आप खुद ही देख लीजिए हमें सलमान ने क्या बताया। अभिजीत, गोली पास में से ही चली है, इसीलिए तो बाहर निकली। गोली कहीं तो आसपास मिलनी चाहिए। अच्छा, देखो जरा आसपास, कहीं तो तुम्हें गोली मिली है। देखो, देखो जरा। माधव नाम है इसका। चलो कम से कम इसके बैंक से तो पता चल जाएगा इसके बारे में कुछ तो। सर, इतने सारे लोगों के सामने एक खूनी ने खून कर दिया इस माधव का, ये खूनी कोई मामूली खूनी नहीं लग रहा सर। हाँ, ये बात तो है, नहीं तो ऐसे सरेआम बाजार में इसका खून क्यों करता? क्योंकि अगर वो चाहता तो किसी सुनसान जगह पे जाकर के इसका खून कर देता। तो शायद खूनी इस आदमी को ढूंढ रहा होगा काफी दिनों से। आदमी अचानक दिख गया तो इसे। अरे, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम क्यों आई यहाँ पर? चलो चलो, नहीं नहीं मुझे देखना। अरे नहीं, ये सब फोन वो नहीं देखा करते बच्चों। चलो बच्चों का काम है, चलो चलो। मैंने देखा। अरे तो तुमने कुछ नहीं देखा, चलो यहाँ पे। मैंने देखा है। नहीं, नहीं देखा, चलो देखा। चलो चलो यहाँ से, चलो देखा। एक मिनट,
क्या देखा बेटा आपने? कुछ नहीं देखा। मैंने देखा है मम्मी। मैंने कहा था तुमने कुछ नहीं देखा। क्या 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 देखा है? किसने कुछ देखा है? क्या देखा है बेटा? उस आदमी को जिसने मारा है। तुम जानती हो उसे? नहीं, पर वो बाइक पे बैठा था। बाइक पे बैठा था? मोटरसाइकिल पर? हाँ। अच्छा, कैसी मोटरसाइकिल थी वो? ऐसी बाइक होती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि किस रंग की मोटरसाइकिल थी, किस टाइप की, कुछ याद है? अच्छा, उसका नंबर याद है मोटरसाइकिल का? अच्छा, वो आदमी दिखता कैसा था? अच्छा ठीक है, मत बताना। ये बहुत बहादुर बच्ची है आपकी, है इसको बहादुरी का इनाम मिलेगा, है बेटा? अच्छा एक काम करो, आप लोग हमारे साथ ब्यूरो में आओ और वहीं पे सब कुछ बता देना। लेकिन मेरी बच्ची को कुछ होगा तो नहीं ना? हम लोग किस लिए हैं? हम लोग हैं ना? अरे कुछ नहीं हुई, बस हमारे ब्यूरो में आना है और हमारे पुलिस आर्टिस्ट के साथ बैठना है। जैसे तुम बताओगी वैसे हमारा आर्टिस्ट उस आदमी की शक्ल बनाएगा, है? और अगर तब तक तुम्हें मोटरसाइकिल का नंबर याद आया या उस मोटरसाइकिल के बारे में कुछ याद आया तो हमें जरूर बता देना, है? गुड गर्ल। इसके तलुए इकट्ठे हुए और कुछ घाव में तो अभी भी कांच के टुकड़े फंसे। कांच के टुकड़ों पे क्यों चला होगा? चला नहीं होगा फ्रेडी, कांच के टुकड़े पे चलने के लिए या खड़ा होने के लिए इसे मजबूर किया होगा। अच्छा, जैसे शोले में वीरू को बचाने के लिए बसंती नाची थी कांच के टुकड़ों पे। मैं कुछ बोल रहा हूँ और ये बसंती के चक्कर में पड़ा हुआ। अच्छा, इधर फ्रेडी के वाइफ को फोन कर। नहीं, सॉरी सर, गलती होगी सर। हाँ तो सर, क्या कह रहे थे? क्यों निकल गई हवा? बीवी का नाम आती हवा निकल जाती है इसकी। एनीवे, बस मैं बता रहा था, ये निशान देखा तो कुछ अजीब तरीके के निशान। बस मुझे लगता है इसे किसी ने रस्सी से बांधा ताकि ये भाग न सके। ये बात और बस। ये देख रहे हैं आप, ये साळुंखे, ये तो गोली लगने के निशान है। बिल्कुल बात, और इसमें से ये वाला जो निशान है ये एकदम ताजा है, ये गोली से अभी लगी है। और ये दो निशान पहले के, ये गोलियां इसे पहले लगी हैं। अगर इसे ये गोलियां पहले लगी हैं तो साळुंखे इसका मतलब है ये पहले किसी गुनाह में शामिल था। और इतना ही नहीं बस, ये गोलियां किसी ने इसे पीठ पर से मारी है, पीछे से। ये निशान तो एग्जिट वुंड। एक बैठे, ये देखो। इसका मतलब है किसी ने चुपके से इसे गोली मार दी थी। बिल्कुल काश, किसी ने इसकी मौत का वारंट निकाल दिया, खूनियों को सुपारी दी और कहा जाओ जाकर के मार दो इसे। मगर ये बंदा मरा नहीं। तो ये देखिए, ये पेन जो हमें माधव के पॉकेट में से मिला है, ये एक स्पाई पेन, इसमें कैमरा लगा हुआ है। यहाँ से चुपके से रिकॉर्डिंग की जा सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सर, ऐसे पेन तो कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं सर। मगर ये जो पेन है ये जरा अलग है, ये इतना भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि माधव कोई जासूस था, कोई स्पाई? सर, जो क्रेडिट कार्ड हमें माधव की जेब में से मिला है वो नकली है। वो नकली है? यस। तो फिर ये माधव पेन कैमरा और नकली क्रेडिट कार्ड लेकर कर क्या रहा था? अभी से उस मोटरसाइकिल के बारे में कुछ पता चला? डेयर में लेके आरटीओ को पता करने के लिए। चलो ठीक है, तब तक हम इस पेन कैमरा के बारे में पता लगाते हैं। क्या नंबर बताया? नंबर है MA02BC और आखिरी के दो नंबर है 88। बस इतना ही? हाँ। पूरा नंबर नहीं? बस यही है। इससे कैसे पता चलेगा? अच्छा,
आप ऐसा कीजिए, हमें उन लोगों के नाम और पते दे दीजिए जिनके मोटरसाइकिल का नंबर MS02BC से शुरू होता है और 88 पे खत्म होता है। ओके सर, देखता हूँ। अरे वाह, 5 नंबर आया। 5 नंबर? अभी जरा नाम और पता नोट कर लो। ये पेन यहीं से खरीदा गया है। आइए सर, क्या चाहिए आप? हमारे पास एक से बढ़कर एक एंटीक पीस है। आप वो जेम्स बॉन्ड जैसी जासूसी करने वाली चीजें नहीं रखते? नहीं नहीं सर, ऐसी चीजें हम नहीं रखते। देखो, हमें सब कुछ पता है समझे, सिर्फ ये बताओ क्या ये पेन, ये कैमरा वाला पेन, क्या तुमने बेचा है? नहीं सर, ये हमारे यहाँ का नहीं है सर। देख, सच सच बता वरना तेरा थोबड़ा एंटिक बना दूंगा मैं। सर ऐसी चीजें हम रखते नहीं सर, आप देख सकते हैं। नहीं रखते। हाँ सर, ये पेन मेरे ही बनाया हुआ सर। खुद बनाया था? हाँ। किसे भेजा था ये पेन? एक आदमी ने ऑर्डर देके मुझसे बनवाया था सर ये पेन। ये फोटो देखो, क्या वो ये आदमी था? नाम क्या इस आदमी का? नाम मुझे मालूम नहीं है। नहीं मालूम सर। इसे 2-3 चीजें मुझसे बनवाई जरूर है लेकिन कभी नाम नहीं बताया सर इसने मुझे। रहता कहाँ? एड्रेस क्या है इसका? सर एड्रेस भी नहीं मालूम। नाम नहीं मालूम, एड्रेस नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम इस आदमी के बारे में, तो जानते क्या हो तुम? अच्छे, इस आदमी ने बिल कैसे भरा? सर पैसे कैश दिए थे सर इसने मुझे। कैश? इसने मुझे पैसे देने के लिए एक चौल में बुलाया था सर। कौन सी चौल में? शांति नगर चौल सर। शांति नगर चौल। सर यहाँ तो रॉन्ग नंबर लग गया। बस घबरा गए? नहीं सर, मैं और घबरा गया, ये हो ही नहीं सकता है सर। गुड, विवेक अभी भी 4 घर बाकी है, 4 बहुत होते हैं, कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। ये अगला आदमी का एड्रेस क्या? अगले आदमी का एड्रेस सर 24 खंडे पार्कर मार्ग सर। चलो देखते हैं ये एड्रेस गलत है या सही है। यस सर। ये बाइक शॉप वाला इस आदमी को सामान बेच रहा है, एड्रेस नहीं पूछा है। अगर इतना बड़ा भी है क्या, ढूंढ तो लेंगे हम लोग। अरे सुनिए भाई साहब, इस आदमी को कभी देखा है यहाँ पे? इसका नाम माधव है, नहीं तो कौन है ये? कोई नहीं, कोई कोई नहीं तो फिर पूछा क्यों? अरे ठीक है यार, गलती हो गई। क्या गलती हो गई, दोबारा मत करना। अरे रेडी आ जाओ। तो ये वाला घर आखिरी वाला है सर। फिर घबरा गए? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही बोलता रहता हूँ सर, सोचा शायद आपको याद ना हो तो। मुझे सिर्फ सीधी बातें याद रखता हूँ मैं, ऐसे उल्टी नेगेटिव बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये सर आगे से ऐसी बातें डिटेल्स फॉलो कर। राइट। चेक करो नंबर वही है। मैं जानता है सब। सर पीछे पड़ गया सर, सब साहब मेरे को मालूम है साहब, लेकिन मेरे से पूछेगा तभी तो बताएगा ना साहब, अभी नहीं पूछेगा तो फिर कैसे बताएगा साहब। चुपचाप पतली गली से निकल जा, मुझे नहीं पूछना तेरे को। आप मेरे को मालूम है कि माधव कौन है साहब, मैं माधव को अच्छी तरह से जानता है और ये भी मालूम है कि उसका
खून हुए ले साहब। तुम कैसे जानते हो ये सर? अब वो साहब सर इसे पौवा पिलाएंगे तो सब याद आ जाएगा। तुम्हें मालूम है माधव कहाँ? हाँ सब मालूम है लेकिन गला सूख रहा था। रेडी संभालो। ये ले भैया बोतल ब्रिगेड के आदमी ले ले। सब चौल नंबर 4 और रूम नंबर 20। रूम नंबर 20? हम ये जानना चाहते हैं कि उस घर में निकल। देखिए सर ये बात किसी को भी मालूम नहीं कि इस घर में कोई रहता है या नहीं। ऐसा क्यों? सर हमने जब भी इस घर को देखा ये घर हमें बंद ही मिला। मतलब यहाँ पे कोई नहीं रहता? नहीं रहता है सर। अजीब क्या करे, अभी तो आपने कहा कि नहीं, नहीं मेरा बोलने का मतलब ये है साहब कि इस घर में जो रहता है वो कब आता है कब जाता है ये किसी को नहीं पता। तुमने उस आदमी को देखा है? जी सर देखा है ना, देखा है एक बार देखा है। तुम उस आदमी का हुलिया बता सकते हो? हुलिया बता के स्केच बनवा सकते हो? सर कोशिश कर सकता हूँ। विवेक इनका नंबर ले लो और ब्यूरो बुला। साला फ्रेडी आज खाना खाया कि नहीं? वही मैं पूछ रहा था सर कि अभी तक आपने मुझसे पूछा कैसे नहीं। क्यों सर? एक तो वैसी पेट में चूहे दौड़ रहे, ऊपर से आपने खाने का नाम लिया तो पेट में आग लग गई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पूरी भाजी पूछने वाला हूँ? पूरी भाजी? एक मिनट, दरवाजा तोड़ सकते हो कि नहीं? सर खाली पेट। ठीक है मैं तोड़ता हूँ। नहीं नहीं मैं तोड़ता हूँ। Thank you.
दो नंबर के काम में शामिल होगा, नहीं तो ये सब नहीं करता होगा। अरे कहाँ मर गए हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? मुझे धोखा देने का इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, जल्दी से फोन करो मुझे, मैं इंतजार कर रही हूँ। लगता है इस लेडी ने माधव को कुछ काम दिया होगा, उसे मालूम नहीं कि माधव मर गया है। पता करो कहाँ से आया था ये फोन। बहुत कुछ दिखाया जा रही है, बहुत कुछ पता चल सकता है, किसको पैसे दिए, किस किस से पैसे लेने हैं, सब कुछ लिखा है इसमें। अब तो पता चल गया है सर, ये आदमी बहुत बड़ा गुनहगार है। इतने सारे पैसे हैं, दो तीन मोबाइल फोन्स, उसमें सिम कार्ड भी अलग अलग है। ये आदमी काफी पहुंचा हुआ है, गड़बड़ है ये आदमी। और ऊपर से रॉड जिस पे खून लगा हुआ, विवेक इतना हमारी नजर से कुछ छूट गया है, मैं जरूर कुछ मिलना चाहिए। इस घर को एक बार फिर अच्छी तरह से चेक कर तो ये खुफिया कमरा है यहाँ, पता ही नहीं चल रहा। ऐसा लगता है यहाँ पर किसी को बांध कर रखा था। विवेक तुम्हें याद है माधव के हाथों और पैरों पे रस्सी से बांधने के निशान थे? हाँ सर। सर कहीं माधव ही तो नहीं है जिसे यहाँ पर बांध कर रखा था? हो सकता है। विवेक एक काम करो, अभी भी घर के बाहर जो आदमी मिला था उसे ब्यूरो में लेके आओ और उससे इस आदमी का स्केच बनवाओ। जी कहिए। शिखा है घर पे? जी हाँ है, मगर आप लोग? हम लोग CID से हैं। CID प्लीज आइए आइए। घर तो काफी आलीशान है सर। हाँ अब देखते शिखा और माधव का क्या कनेक्शन हो सकता है। CID का मुझसे क्या काम हो सकता है? आप शिखा जी हैं? जी हाँ मैं हूँ शिखा, बताइए क्या बात। हम आपसे माधव के बारे में कुछ पूछने आए हैं। माधव का तो नाम सुना होगा आपने। माधव? कौन माधव? अरे यही बात तो मैंने ACP साहब से पूछी थी। तो फिर क्या हुआ? वही हुआ जो हमेशा होता रहता है, हंसने लगे मुझ पे, कहने लगे कि आज शिखा ने माधव को फोन किया था। मैंने फोन किया था? देखिए मैं किसी माधव को नहीं जानती। जरा फोटो दिखाओ इन्हें अभिजीत। कुछ याद आया? पहचानती है ना इसे आप? हाँ पहचानती तो हूँ, लेकिन ये माधव नहीं, ये रविंद्र है। क्या? रविंद्र? लेकिन ये रविंद्र को क्या हो गया? फोन हो गया वैसे। What? फोन? जी हाँ। वैसे आपका इस रविंदर के साथ क्या क्या संबंध क्या है? देखिए ये जासूस था, प्राइवेट डिटेक्टिव, और मेरे बॉस ने इसे काम दिया था। आपके बॉस ने रविंदर को काम दिया था जासूसी का? वैसे आपके बॉस काम क्या करते हैं? वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है, मिस्टर बोनी कपूर, नाम तो सुना ही होगा आपने। अच्छा अच्छा बोनी कपूर, ये क्या काम दिया था मिस्टर बोनी कपूर ने इसको? हमारी एक नई फिल्म रिलीज होने वाली है Wanted. तो उस फिल्म की पायरेसी को रोकने के लिए बॉस ने 5 लोगों को हायर किया था, ये रविंद्र उसमें से ही एक है। कहीं आप इस फिल्म की बात तो नहीं कर रहे? हाँ मैं इसी की बात कर रही हूँ, लेकिन ये CD आपके पास कहाँ से आई? रविंद्र के घर से। और रविंद्र के पास कहाँ से आई? अब अगर वो जिंदा होता तो जरूर पूछ लेते उससे। इस समस्या का हल सिर्फ एक ही के पास है, प्रद्युमन। कौन बोल रहा है? सर सलमान बोल रहा हूँ। सलमान? कौन सलमान? सर सलमान खान बोल रहा हूँ सर, एक्टर सर। एक्टर सलमान खान? मैं कैसे मान लूँ?
कि तुम एक्चुअली एक्टर सलमान खान ही बोल रहे हो? सर आपको कैसे यकीन दिलाऊं सर? सर एक कोई गाना गा के सुनाऊं आपको या कोई डायलॉग बोल के सुनाऊं या कोई सर डांस वगैरह करके सुना सर? सर सलमान खान ही बोल रहा हूँ। चलो मान लिया सलमान खान ही बोल रहे हो, लेकिन सलमान अच्छा क्या तुम नहीं बोल रहे? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। सर मैंने आपको मदद के लिए फोन किया, सुना कोई गड़बड़ हो गई? हाँ वैसे ही, लेकिन मैं तुमसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। किस सप्ताह? मैं घर पे हूँ सर, मदर वर्क मेरी है। ठीक है तो अभी चले आते हैं। थैंक यू मान खान। Love me, love me. तुम्हारी एक फिल्म रिलीज होने वाली है ना, वांटेड? जी सर, 18 सितंबर को। इन्होंने बताया कि फिल्म पायरेसी रोकने के लिए आप लोगों ने 4-5 प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर किए। चौसी जी? यस सर। किसने? बोने कपूर जी ने। क्यों होंगे सर कैपेबल? क्यों कोई गड़बड़? जी हाँ, उनमें से एक के घर से हमें क्या करेंगे सर? पहले ये पता करना चाहिए कि ये सब कर कौन रहा है। सलमान सिर्फ इतना ही नहीं, ये फिल्म पायरेसी का गेम अब और भी खतरनाक होते जा रहा है। ये पायरेटेड कॉपी जिसके पास मिली उसका खून हो गया है। What? Unbelievable. सर हमें ये सब मिला है उस खूनी के घर से। ये खूनी बहुत पहुंचा हुआ आदमी लगता है ना? हाँ सर। अच्छा मुझे लगता है कि रविंदर को भी उसी घर में पकड़ के रखा गया था सर। जी ये बताओ ये पार्थ नगर लोखंड वाला से कितनी दूरी पर है? तकरीबन आधा घंटा सर। आधा घंटा, तो इसका मतलब है दया, रविंदर जब पार्थ नगर से मतलब खूनी के घर से भाग रहा था लोखंड वाला की तरफ, कुछ ही देर बाद खूनी को पता चल गया और उसने रविंदर का बाइक पर पीछा किया और मौका मिलते ही लोखंड वाला सर्कल पे उसे गोली मार दी। अच्छा उस खूनी के घर से तुम्हें कोई फोटोग्राफ वगैरह मिला? नहीं सर, मगर एक आदमी मिला है सर जिसने उसे देखा है। विवेक उसके साथ बैठ के उस खूनी का स्केच बनवा रहा है। आप सभी लोग पायरेसी करने वालों के पीछे लगे हुए थे, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला। कमाल, चार चार लोग लगे हुए हैं, कुछ पता भी नहीं चला। इस बीच आप लोगों ने रविंदर से फोन पे बात करने की कोशिश की थी क्या? सर हम 3-4 दिन से फोन पे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा था। फोन नहीं उठा रहा था तो आप लोगों को उसके घर जाना चाहिए था, पता करना चाहिए था उसके साथ क्या हुआ है। नहीं सर, हमसे कहा गया था कि आपस में मिलो मत, सारी जासूसी चुपके चुपके ही करो। सारी बातें हमारी फोन पे हुआ करती थी और कोई सुराग मिलने के बाद हम लोग साथ में मिलने वाले थे। सर स्केच बन गया। आप लोग ये काम करिए, अभी आप लोग जाइए, आपको बाद में बताते हैं। और एक बात, अपना ध्यान रखिएगा, उन्हीं को आप लोगों के बारे में पता चल गया है। ओके थैंक यू वेरी मच। सो ये रहा खूनी। ओह तो ये है वो विवेक। देखो ऐसा दिखने वाला कोई आदमी है क्या हमारे? देखो हीरा, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और इसीलिए इसने दिन दहाड़े रविंदर का खून किया। सर मैं पता लगाता हूँ ये हीरा कहाँ मिलेगा। ठीक है सर, तुम इस हीरा को ढूंढो और अभिजीत इस वीडियो पायरेसी की जड़ तक जाने की कोशिश करो। देखो कहाँ तक फैला हुआ है। सलाम साहब।
करते हैं अभी समझा। तो दिन में तीन बार ग्रीन टी पिया कर। अच्छा ग्रीन टी? हाँ। ये कौन है? चाय। हीरा का नाम सुना? हीरा? हाँ सुपारी किलर जो मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। हाँ जानता उसे? हाँ। कहाँ मिलेगा? मलाड के वीडियो पार्लर। वीडियो पार्लर? कौन से वीडियो पार्लर? सुलाभा घबरो और तबरो। ये तो तीन हुए। अरे साहब इनमें से किसी एक में बैठा हुआ है। सलमान? हाँ वही सल्लू भाई वाला। यार वो पिक्चर तो अभी थिएटर में भी नहीं लगी, उसकी सीडी कहाँ से निकलेगी? अरे क्या बना रहा है मेरे को, मैं कल पैदा हुआ हूँ क्या? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, उसकी वांटेड की सीडी अभी मार्केट में नहीं आई है। मैं यहाँ दुकान नहीं लगा, ठीक है फिर मिलता है। वो यहाँ पे आने वाला था, मैं उसे फोन करके मना कर रहा था कि यहाँ सीआईडी के लोगों से पूछ रहे हैं, वो कभी भी यहाँ आ सकता है सर। Thank you.
मारने का बहुत शौक है तुम्हें। सुनना सुनना, कौन है तू? मैं कौन मतलब? तू कौन है? तुम कौन है? उसे छोड़ना है यार, तेरे को वांटेड का सीडी मांगता है ना। मुझे किसी ने पैसे दिए थे उसे मार्जिन। किसने दिए थे पैसे? मुझे नहीं मालूम। पैसे किसने दिए थे? मुझे नहीं मालूम। एक आदमी का खून कर दिया और तुम्हें मालूम नहीं कि पैसे किसने दिए थे खून करने के लिए तुझे? कोई भी तुझे खून करने के लिए बोल देगा तो खून कर देगा उसका? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। झूठ बोल रहा है तू? बस मुझे इतना मालूम है कि उसने मुझे आधे पैसे दिए और बचे हुए पैसे अब देने वाला है। कहाँ देने वाला है वो पैसे? आज रात को उसने बुलाया जेम्स लोकल रोड पे। विवेक तुम यहाँ रुको और देखते रहो, बोलो कभी जीत को कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं। दया उठाओ इसे। अरे क्या डर रहा बाबा, समझ में गया पुराना मामला। ये पानी बरसने लगा ना। अरे बाबा क्या पर्सनालिटी लग रही है तेरी, चश्मा बिश्मा पूछ की जगह रजनीकांत लग रहे ना बाबा। आ जाओ। ए फिल्मी आदमी हो ना, इसके लिए सीडी का बिजनेस करना है। अरे बहुत देख के पूछ हो जाएगा, मजा आएगा। चल चक्कर तो नहीं है ना? अरे क्या बात कर रहे ले भाई, देख मेरे लिए एकदम गाय गरीब लग रहे, इसीलिए तो आपके पास लेके आए ले भाई। कौन सा सीडी चाहिए? इसको भाई वांटेड का सीडी चाहिए, वांटेड का। सलमान का पिक्चर आ रहा है ना नया, वांटेड। अबे वांटेड का सीडी नहीं है यहाँ पे। ए, क्या हो रहा है? इतना दूर लेकर आया है, अभी बोलता सीडी नहीं है। उधर मेरा पार्टी पैसा लेके इंतजार कर रहा है, अगर नहीं है तो मैं जाता, थाने तो जाता है। बोला सीढ़ी यहाँ पर नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि सीढ़ी मिलेगा ही नहीं। आज बिल्कुल ताजा माल आ रहा है। ठीक है ना, चल रेडी पे चलते। क्या यार ये आदमी घोड़े पर चढ़ के आ रहे लगता। घोड़े पे जाना है? अरे लगाम लगाने रे भाई, क्या करे ना भाई, भाई। चलो भाई चलो ना, चल चल भाई चल। आने वाला है क्या? नहीं आएगा। आएगा सर, जाएगा कहाँ?
इन्फॉर्मेशन मैडम, मरने से पहले उसने उन खूनियों के नाम ढूंढ निकाले थे। व्हाट? खूनियों के नाम? हाँ, मगर वो नाम उसने कहीं छुपा कर रख दिए। कहाँ छुपा कर रखे हैं उसने उन नाम? यही तो सीआईडी वाले भी ढूंढ रहे हैं। बस कभी भी वो लोग वहां पहुंचने वाले होंगे, फिर वो मुझे बता देंगे कौन है। विवेक,
काम है? गुलाबा ठीक है, अब बिल्कुल लेके जा रहे हैं गुलाबा में। गुलाबा मतलब सर, ये मिल रही गुलाबा में कहीं होनी चीज है। लेट्स गो। अरे बाबा, पांच बेटी, पांच बेटी किधर से लेके आएगा मैं? हैं? होएगा नहीं। जो भी बात करने का सोच समझ के करने का, ऐसा होता नहीं है सर। हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ भाई, कितना मिनट डाला? बॉस 200 हो गया, 300 बाकी है। अरे जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ चला, जल्दी आ चला। बॉस चाय नाश्ता तो सुबह से। अरे चाय भाई तेरे को मिलेगा ना, पहले काम खत्म कर। हाँ सुबह तेरे को क्या बोल रहे था? बस आ गया बाबा, थोड़ी दूर हो रहे हैं, देख। आ गया बाबा बॉस के पास। हाँ बस सीढ़ी मिलेगा ना भाई? अरे पक्का मिलेगा ना यार। बस सलाम बॉस, सलाम। बॉस को इसको सीडी चाहिए। सीडी बोले तो कौन सा सीडी? मेरे को वांटेड का सीडी चाहिए। मेरा सेट इसके लिए बहुत पैसा देने पड़ता यार। कौन है तेरा सेट? अरे बॉस तुमको क्या लेना मेरा सेट कौन है? तुम सीडी दो, मेरा पार्टी पैसा लेकर तैयार है। ए, तभी से बात करने का। बोले तो कौन है तेरा सेट? बोला कौन है? बोला मेरा सेट तेरा बाप। Sir, proud of you, sir.